हे गाइस, मैं हूं एकलव्य। आज मैं आपको काउजेटिव वर्ब पार्ट 3 पढ़ाने जा रहा हूं। इस पार्ट में हम लोग केवल प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग करेंगे और हम लोग खूब अच्छी तरह सीख चुके हैं, खूब अच्छी तरह जान चुके हैं, खूब अच्छी तरह समझ चुके हैं कि यदि हिंदी के वाक्यों में प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग हुआ हो तो हमेशा हम काउजेटिव सेंटेंस का फर्स्ट स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे। जब हम लोग काउजेटिव वर्ब के लिए फर्स्ट स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे तो उसमें हमेशा हम या तो मेक काउजेटिव वर्ब का यूज करेंगे या काउज काउजेटिव वर्ब का यूज करेंगे। इस दो काउजेटिव वर्ब के अलावा हम किसी तीसरे काउजेटिव वर्ब का यूज नहीं करेंगे। काउजेटिव वर्ब के लिए फर्स्ट स्ट्रक्चर का प्रयोग हम लोग खूब अच्छी तरह सीख चुके हैं, लेकिन इस पार्ट को शुरू करने से पहले इस स्ट्रक्चर को एक बार फिर से देख लें। इस प्रकार के स्ट्रक्चर में, यानी काउजेटिव वर्ब के फर्स्ट स्ट्रक्चर में, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद काउजेटिव वर्ब काउज आता है, उसके बाद इस सेंटेंस में दूसरा व्यक्ति अर्थात इस सेंटेंस का पहला ऑब्जेक्ट जिसके साथ को का चिन्ह लगा हुआ रहता है या को का चिन्ह छिपा हुआ रहता है, वह व्यक्ति आता है। इस ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है टू सहित। इस सेंटेंस को हम एक दूसरे प्रकार से भी लिख सकते हैं। इसमें भी सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद मेक काउजेटिव वर्ब आता है और उसके बाद इस सेंटेंस में दूसरा व्यक्ति अर्थात इस सेंटेंस का पहला ऑब्जेक्ट जिसके साथ या तो को का चिन्ह लगा रहता है या को का चिन्ह छिपा हुआ रहता है, वह ऑब्जेक्ट आता है। और इस ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है बिना टू का। हम लोगों ने यहां देखा और हम लोग पहले भी सीख चुके हैं कि यह पहला ऑब्जेक्ट यानी इस सेंटेंस का दूसरा व्यक्ति, इसके साथ हमेशा को का चिन्ह लगा रहता है या कोई भी चिन्ह लगा हुआ नहीं रहता है, अर्थात कोई भी विभक्ति लगा हुआ नहीं रहता है। और हम लोग इस ऑब्जेक्ट को खोजेंगे कैसे? जब हिंदी के क्रिया में किसको लगाकर या किसे लगाकर या किन्हें लगाकर या किनको लगाकर प्रश्न करते हैं तो हमें यह पहला ऑब्जेक्ट आसानी से मिल जाता है। इस प्रकार के हिंदी के वाक्यों में जिसका अनुवाद हम लोग फर्स्ट स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं, उसमें यानी उन हिंदी के वाक्यों में अधिकांश वाक्यों में केवल दो व्यक्ति रहते हैं, तीसरे का अता पता नहीं रहता है। कुछ वाक्यों में यदि तीसरा रहता भी है तो वह वस्तु रहता है, व्यक्ति नहीं। यह तीसरा वस्तु हमेशा छिपा हुआ रहता है। अर्थात इस पाठ में हम लोग हिंदी के जितने भी वाक्यों को देखेंगे उसमें केवल दो व्यक्ति रहेगा, तीसरे वस्तु का अता पता नहीं रहेगा। यदि इस सेंटेंस में तीसरे वस्तु की थोड़ी भी भनक आपको लगे या आभास हो या महसूस हो तो वह वस्तु छिपा हुआ रहता है, प्रकट नहीं रहता है। फर्स्ट स्ट्रक्चर में हमेशा मेक या काउज काउजेटिव वर्ब का प्रयोग किया जाता है। हिंदी के जिन वाक्यों का अनुवाद हम लोग फर्स्ट स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं उसके संबंध में हम लोग कुछ विशेष बातें जानने की कोशिश करें। पहली बात यह है कि यदि हिंदी के वाक्यों में प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग किया जाता है तो हिंदी के वाक्यों का अनुवाद हम लोग फर्स्ट स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं। दूसरी बात यह है कि यदि हिंदी के वाक्यों में प्रथम कर्म के साथ को का प्रयोग किया जाता है तो हिंदी के ऐसे वाक्यों का अनुवाद हम लोग अंग्रेजी में फर्स्ट स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं। या यदि हिंदी के वाक्यों में प्रथम कर्म के साथ को का चिन्ह छिपा रहता है तो हिंदी के ऐसे वाक्यों का अनुवाद हम लोग फर्स्ट स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं। प्रथम कर्म किसे कहते हैं इसको हम लोग जानें। प्रथम कर्म को फर्स्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है या इस सेंटेंस में इसे दूसरा व्यक्ति के नाम से जाना जाता है या दूसरा वस्तु के नाम से जाना जाता है या इस सेंटेंस में
पहला प्रेरित होने वाला होता है, और हम लोग जानते हैं कि पहला प्रेरित होने वाला जो रहता है उसको पहला भड़कने वाला भी कहते हैं। तीसरी बात यह है कि हिंदी के वाक्यों में प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग तब किया जाता है जब वाक्य का कर्ता अर्थात सब्जेक्ट स्वयं कार्य करने में भाग लेता है, अर्थात सब्जेक्ट खुद काम करता है, अर्थात सब्जेक्ट स्वयं कार्य करने में संलिप्त रहता है। इन तीन बातों को आप हमेशा याद रखें। इन बातों को यदि आप भूल जाते हैं तो हिंदी के वाक्यों का अनुवाद फर्स्ट स्ट्रक्चर के आधार पर करने में आपको बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। हम लोगों ने यहां देखा कि पहला व्यक्ति कर्ता अर्थात सब्जेक्ट के बाद जो दूसरा व्यक्ति या वस्तु आता है उसमें हमेशा को का चिन्ह लगा हुआ रहता है या को का चिन्ह छिपा हुआ रहता है। इसमें दूसरा व्यक्ति के साथ अर्थात पहला ऑब्जेक्ट के साथ कभी भी से लगा हुआ नहीं रहता है। यदि से लगा हुआ रहेगा दूसरा व्यक्ति के साथ या पहला व्यक्ति को छोड़कर किसी व्यक्ति के साथ, तो हम लोग हिंदी के उन वाक्यों का अनुवाद अंग्रेजी के फर्स्ट स्ट्रक्चर के आधार पर नहीं करेंगे। हम लोगों ने अभी सीख लिया है कि हिंदी के वाक्यों में सब्जेक्ट के बाद जो दूसरा व्यक्ति होता है अर्थात पहला ऑब्जेक्ट होता है उसमें हमेशा या तो को का चिन्ह लगा रहता है या को का चिन्ह छिपा हुआ रहता है, और हिंदी के जिन वाक्यों में से का चिन्ह लगा रहेगा दूसरा व्यक्ति के साथ उन वाक्यों का अनुवाद हम लोग इस स्ट्रक्चर के आधार पर नहीं करेंगे। इसीलिए ध्यान रखेंगे इस पार्ट में मैंने हिंदी के उन वाक्यों को लिया है जिसमें दूसरा व्यक्ति के साथ अर्थात ऑब्जेक्ट के साथ हमेशा या तो को का चिन्ह लगा हुआ रहता है या को का चिन्ह छिपा हुआ रहता है। हम लोग सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल में कुछ वाक्यों को देखते हैं। नंबर वन, आप मुझे हंसा देते हैं या आप मुझे हंसाते हैं। इसका अनुवाद अंग्रेजी में होता है यू मेक मी लाफ या यू काउज मी टू लाफ। जब मेक काउजेटिव वर्ब का प्रयोग हुआ है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग बिना टू के हुआ है, और जब काउज काउजेटिव वर्ब का प्रयोग हुआ है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग टू सहित हुआ है। सेकंड सेंटेंस देखें, वह बच्चों को धूप में दौड़ाता है या वह बच्चों को धूप में दौड़ा देता है। इसका अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं ही मेक्स द चिल्ड्रेन रन इन द सन या ही काउजेस द चिल्ड्रेन टू रन इन द सन। यहाँ हम लोग देखते हैं जब मेक काउजेटिव वर्ब का प्रयोग हुआ है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग बिना टू के हुआ है, और जब काउजेस काउजेटिव वर्ब का प्रयोग हुआ है तो उसके साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग टू सहित हुआ है। थर्ड सेंटेंस को देखें, लता के दर्द भरे गीत हर किसी को रुला देते हैं या लता के दर्द भरे गीत हर किसी को रुलाते हैं। यहाँ देखिए लता के दर्द भरे गीत, यहाँ एक वस्तु हो गया और दूसरा हो गया हर किसी को। यहाँ भी आप देखिए दूसरा व्यक्ति के साथ को का चिन्ह लगा हुआ है, यहाँ भी दो व्यक्ति है, पहला है लता के दर्द भरे गीत वस्तु हो गया और दूसरा हो गया हर किसी को। इसीलिए इस सेंटेंस का अनुवाद हम लोग अंग्रेजी में करते हैं लताज सैड सॉन्ग्स मेक एवरी वन वीप या लताज सैड सॉन्ग्स काउज एवरी वन टू वीप। हम लोग यहाँ देखते हैं कि जब मेक का प्रयोग हुआ है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग बिना टू के हुआ है, और जब काउज का प्रयोग करते हैं तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग टू सहित करते हैं। सेंटेंस चार को देखें, वह तुम्हें अपनी उंगली पर नचाती है। यहाँ देखें दो व्यक्ति है, पहला वह और दूसरा तुम्हें। तुम्हें के साथ भी को लगा हुआ है क्योंकि हम तुम्हें को तुमको बोल सकते हैं या तुम लोगों को बोल सकते हैं। इस सेंटेंस का अनुवाद हम लोग करते हैं सी मेक्स यू डांस एट हर ट्यून या सी काउजेज यू टू डांस एट हर ट्यून। यहाँ देखिए जब मेक्स का प्रयोग हुआ है तो इसके साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग बिना टू के हुआ है, और जब काउजेज का प्रयोग हुआ है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग टू सहित हुआ है। नंबर फाइव, तुम उसको पैदल चलाते हो या तुम उसे पैदल चलाते हो। इस सेंटेंस में देखिए दो व्यक्ति है, पहला है तुम और दूसरा है उसको।
दूसरा व्यक्ति यानी पहला ऑब्जेक्ट के साथ देखिए यहाँ को लगा हुआ है, इसीलिए इस सेंटेंस का अनुवाद हम लोग फर्स्ट स्ट्रक्चर के आधार पर करेंगे। एक दूसरा शर्त यहाँ और है, क्रिया के प्रथम प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है। इस सेंटेंस का अनुवाद हम लोग अंग्रेजी में करते हैं यू मेक हिम वॉक ऑन फुट या यू काउज हिम टू वॉक ऑन फुट। जब मेक का प्रयोग होता है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग बिना टू का होता है, और जब काउज का प्रयोग होता है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग टू सहित होता है। एक छठा सेंटेंस देखें, मैं उसे सुलाता हूँ या मैं उसको सुलाता हूँ। यहाँ देखें दो व्यक्ति है, पहला है मैं, दूसरा है उसे। आप उसे के जगह पर उसको भी लिख सकते हैं। यहाँ दो व्यक्ति है, और दूसरी बात यह है कि यहाँ क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक रूप है, और जब क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक रूप होता है तो वैसे हिंदी के वाक्यों का अनुवाद हम लोग अंग्रेजी के फर्स्ट स्ट्रक्चर के आधार पर ही करते हैं। और इसका अनुवाद अंग्रेजी में होता है आई मेक हिम स्लीप या आई काउज हिम टू स्लीप। जब मेक का प्रयोग होता है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग बिना टू के होता है, और जब काउज का प्रयोग होता है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग टू सहित होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कुछ सेंटेंसों को देखें। नंबर वन, तुम उसे जुआ खिला रहे हो। यहाँ देखिए दो व्यक्ति है, तुम पहला व्यक्ति है और उसे दूसरा व्यक्ति है। उसे के जगह पर आप चाहें तो उसको भी बोल सकते हैं। और यहाँ देखिए क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक रूप है खेला, खिला रहे हो। यदि इस सेंटेंस में खिला रहे हो के जगह पर खिलवा रहे हो होता, अर्थात क्रिया का द्वितीय प्रेरणार्थक रूप होता, तो इस सेंटेंस का अनुवाद हम लोग फर्स्ट स्ट्रक्चर के आधार पर नहीं करते। चूंकि यहाँ क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक रूप है, इसीलिए इस सेंटेंस का अनुवाद हम लोग फर्स्ट स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं। और इस सेंटेंस का अनुवाद होता है यू आर मेकिंग हिम गैम्बल या यू आर काउजिंग हिम टू गैम्बल। जब मेक का प्रयोग हुआ है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग बिना टू के हुआ है, और जब काउज वर्ब का प्रयोग हुआ है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग टू सहित हुआ है। नंबर टू, वह बच्चों को सुला रही है। यहाँ भी देखिए दो व्यक्ति है, पहला सब्जेक्ट वह है और दूसरा व्यक्ति ऑब्जेक्ट के रूप में बच्चों को है। यहाँ भी को चिन्ह लगा हुआ है, को विभक्ति लगा हुआ है, और क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक रूप है, इसीलिए इस सेंटेंस का अनुवाद फर्स्ट स्ट्रक्चर के आधार पर हम लोग करते हैं। सी इज मेकिंग द चिल्ड्रेन स्लीप या सी इज काउजिंग द चिल्ड्रेन टू स्लीप। जब मेक वर्ब का प्रयोग हुआ है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग बिना टू के हुआ है, और जब काउज वर्ब का प्रयोग हुआ है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग टू सहित हुआ है। एक तीसरा सेंटेंस देखें, तुम उसे रुला रहे हो। यहाँ भी पहला व्यक्ति तुम है और दूसरा व्यक्ति उसे है। यहाँ भी आप उसे को उसको लिख सकते हैं, और यहाँ प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया का रूप आया है, इसीलिए इस सेंटेंस का अनुवाद फर्स्ट स्ट्रक्चर पर करेंगे यू आर काउजिंग हिम वीप। प्रेजेंट परफेक्ट में कुछ सेंटेंसों को देखें। नंबर वन, तुमने उसे यहाँ से भगाया है या तुमने उसको यहाँ से भगाया है। यहाँ दो व्यक्ति है, पहला सब्जेक्ट है तुमने और दूसरा ऑब्जेक्ट है उसे, या उसे को हम उसको भी कह सकते हैं। इसका अनुवाद हम लोग करते हैं यू हैव मेड हिम फ्ली अवे फ्रॉम हियर या यू हैव काउज्ड हिम टू फ्ली अवे फ्रॉम हियर। इस सेंटेंस में देखिए प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग हुआ है। नंबर थर्ड, उसने तुम्हें रुलाया है या वह तुम्हें रुला चुका है। इस सेंटेंस में दो व्यक्ति है, पहला सब्जेक्ट है उसने और दूसरा ऑब्जेक्ट है तुम्हें। तुम्हें के साथ को लगा हुआ है और यहाँ क्रिया के प्रथम प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है, इसीलिए इस सेंटेंस का अनुवाद अंग्रेजी में हम लोग फर्स्ट स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं, अर्थात मेक या काउज का प्रयोग करके करते हैं। इस सेंटेंस का अनुवाद होता है ही हैज मेड यू वीप या ही हैज काउज्ड यू टू वीप। जब मेक का प्रयोग हुआ है तो उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग बिना टू के हुआ है, और जब काउज का प्रयोग हुआ है तो उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग टू सहित हुआ है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कुछ सेंटेंसों को देखें। नंबर वन, माँ बच्चों को पैदल चलाती रही है। यहाँ भी दो व्यक्ति है, पहला व्यक्ति सब्जेक्ट के रूप में है माँ
और दूसरा व्यक्ति बच्चों को है ऑब्जेक्ट के रूप में, और ऑब्जेक्ट के रूप में बच्चों के साथ को विभक्ति लगा हुआ है। और तीसरी बात यहाँ यह है कि क्रिया के प्रथम प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है, इसीलिए इस सेंटेंस का अनुवाद हम लोग कॉजेटिव वर्ब के फर्स्ट स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं। और इसका अनुवाद होता है अंग्रेजी में, द मदर हैज बीन मेकिंग द चिल्ड्रेन वॉक ऑन फुट, या द मदर हैज बीन काउजिंग द चिल्ड्रेन टू वॉक ऑन फुट। जब यहां मेक का चौथा रूप मेकिंग आया है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग बिना टू का हुआ है, और जब काउज के चौथे रूप काउजिंग का प्रयोग हुआ है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग टू सहित हुआ है। दूसरे सेंटेंस को देखें, वह तुम्हें हंसाता रहा है। यहां भी दो व्यक्ति है, पहला है वह सब्जेक्ट के रूप में, दूसरा है तुम्हें ऑब्जेक्ट के रूप में। यहां तुम्हें के जगह पर आप तुमको भी लिख सकते हैं। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है, यहां क्रिया के प्रथम प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है, इसलिए इस सेंटेंस का अनुवाद हम लोग अंग्रेजी के कॉजेटिव वर्ब के फर्स्ट स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं। और इसका अनुवाद होता है, ही हैज बीन मेकिंग यू लाफ, या ही हैज बीन काउजिंग यू टू लाफ। जब मेक का रूप मेकिंग आया है तो यहाँ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग बिना टू के हुआ है, और जब काउज का रूप काउजिंग आया है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म टू सहित आया है। पास्ट सिंपल में कुछ वाक्यों को देखें। नंबर वन, उसने मुझे सबके सामने नचाया, या उसने मुझको सबके सामने नचाया। इस सेंटेंस में तीन व्यक्ति है, पहला है उसने सब्जेक्ट के रूप में, दूसरा है मुझे ऑब्जेक्ट के रूप में, और तीसरा है सबके। यह एक यहाँ पूरक है, इस वाक्य में यह कॉम्प्लीमेंट है। अब यहाँ देखिए, इस वाक्य में देखिए, पहला उसने सब्जेक्ट के रूप में है और दूसरा ऑब्जेक्ट मुझे के रूप में है। इसके जगह पर आप मुझको भी लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने इसी सेंटेंस का दूसरा तरीका लिखा है तो उसमें मैंने मुझे के जगह पर देखिए यहाँ मैंने मुझको लिखा है। और तीसरी बात है यहाँ कि क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक रूप आया है, इसलिए इस सेंटेंस का अनुवाद हम लोग अंग्रेजी में फर्स्ट स्ट्रक्चर के आधार पर करेंगे। और इसका अनुवाद हो जाएगा, He made me dance before all, या He caused me to dance before all। यहाँ देखिए, जब make का रूप made आया है तो verb के first form का प्रयोग without to हुआ है, और जब cause का रूप caused आया है तो verb के first form का प्रयोग to सहित हुआ है। एक दूसरा सेंटेंस देखें, तुमने उसे धूप सेकाया। इस सेंटेंस में पहला सब्जेक्ट तुमने है और दूसरा ऑब्जेक्ट उसे है। इस उसे को आप उसको भी लिख सकते हैं। और तीसरी बात है, यहाँ क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक रूप आया है, इसलिए इस सेंटेंस का अनुवाद हम लोग हिंदी में करते हैं, यू मेड हिम बास्क इन द सन, या यू काउज्ड हिम टू बास्क इन द सन। इस सेंटेंस में मेक का रूप मेड आया है, इसीलिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बिना टू का आया है। यदि हम लोग यहाँ मेड के जगह पर काउज्ड लिखेंगे तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ टू भी आएगा। नंबर थर्ड, उन लोगों ने तुम्हें दौड़ाया, या उन लोगों ने तुमको दौड़ाया। यहाँ देखिए, उन लोगों ने सब्जेक्ट है और उसके बाद तुम्हें ऑब्जेक्ट है। इस तुम्हें के जगह पर आप तुमको भी लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है। और तीसरी बात है, यहाँ क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक रूप आया है, और इसका अनुवाद होता है, दे मेड यू रन, या दे काउज्ड यू टू रन। जब मेक का रूप मेड आया है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हम बिना टू के करते हैं, और जब मेड के जगह पर काउज्ड का यूज करते तो रन के जगह पर हम टू रन का यूज करते। इस बात को आप खूब अच्छी तरह याद रखें। नंबर फोर, तुमने उसे हंसाया, या तुमने उसको हंसाया। इस सेंटेंस में क्रिया के प्रथम प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है, इसीलिए इस सेंटेंस का अनुवाद हम लोग करते हैं, यू मेड हिम लाफ, या यू काउज्ड हिम टू लाफ। नंबर फाइव, मैंने घोड़ा को तेज दौड़ाया। यहाँ क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक रूप आया है, इसलिए इस सेंटेंस का अनुवाद हम लोग करते हैं, आई मेड द हॉर्स रन फास्ट, या आई काउज द हॉर्स टू रन फास्ट। नंबर सिक्स, तुमने मुझे रुलाया। इस सेंटेंस में
क्रिया के प्रथम प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है, इसीलिए सेंटेंस का अनुवाद हम लोग करते हैं यू काउज्ड मी टू वीप या यू मेड मी वीप। नंबर 7, शिक्षक ने लड़का को बेंच पर खड़ा करा दिया। यहाँ देखिए क्रिया के प्रथम प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है खड़ा करा दिया, इसलिए इस सेंटेंस का अनुवाद हम लोग अंग्रेजी में फर्स्ट स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं। और इस सेंटेंस का अनुवाद हम लोग अंग्रेजी में करते हैं द टीचर मेड द बॉय स्टैंड अप ऑन द बेंच या द टीचर काउज्ड द बॉय टू स्टैंड अप ऑन द बेंच। नंबर 8, हमने उन्हें भगाया। यहाँ क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक रूप है, इसलिए इस सेंटेंस का अनुवाद होता है वी काउज्ड देम टू रन अवे या वी मेड देम रन अवे। पास्ट कंटिन्यूअस में कुछ सेंटेंस देखें। नंबर 1, तुम उसको रस्सी कुदा रहे थे या तुम उसे रस्सी कुदा रहे थे। इस सेंटेंस में क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक रूप है, इसलिए इस सेंटेंस का अनुवाद हम लोग फर्स्ट स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं। और इस सेंटेंस का अनुवाद होता है यू आर मेकिंग हर स्किप या यू आर काउजिंग हर टू स्किप। यहाँ आप डब्ल्यू ई आर ई को वर पढ़ें, यहाँ इसको वेयर ना पढ़ें। बिहार के अधिकतर छात्र इसे वेयर पढ़ते हैं, आप ऐसी गलती ना करें। नंबर 2, वह बिल्ली को दौड़ा रही थी या वह बिल्ली दौड़ा रही थी। इस सेंटेंस में क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक रूप है, इसलिए इस सेंटेंस का अनुवाद हम लोग फर्स्ट स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं। सी वॉज मेकिंग द कैट रन या सी वॉज काउजिंग द कैट टू रन। नंबर 3, मैं छात्रों को कठिन मेहनत करा रहा था। यहाँ क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक रूप है, इसलिए इस सेंटेंस का अनुवाद हम लोग फर्स्ट स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं। आई वॉज मेकिंग स्टूडेंट्स लेबर हार्ड। पास्ट परफेक्ट में कुछ वाक्यों को देखें। नंबर 1, तुम मुझे रुला चुके थे या तुम मुझको रुला चुके थे। यहाँ क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक रूप है, इसलिए इस सेंटेंस का अनुवाद हम लोग फर्स्ट स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं। यू हैड मेड मी वीप या यू हैड काउज्ड मी टू वीप। नंबर 2, वह तुम्हें जुआ खेला चुका था। इस सेंटेंस में क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक रूप है, इसलिए इस सेंटेंस का अनुवाद होता है ही हैड मेड यू गैम्बल या ही हैड काउज्ड यू टू गैम्बल। नंबर 3, शिक्षक तुम्हें उठक बैठक करा चुके थे या शिक्षक तुमको उठक बैठक करा चुके थे। यहाँ क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक रूप है, इसलिए इस सेंटेंस का अनुवाद हम लोग अंग्रेजी में करते हैं द टीचर हैड मेड यू डू अप एंड डाउन या द टीचर हैड काउज्ड यू टू डू अप एंड डाउन। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कुछ सेंटेंसों को देखें। नंबर 1, तुम उसे हंसाते रहे थे। इस सेंटेंस में क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक रूप है, इसलिए इस सेंटेंस का अनुवाद हम लोग फर्स्ट स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं। यू हैड बीन मेकिंग हिम लाफ या यू हैड बीन काउजिंग हिम टू लाफ। नंबर 2, वह तुम्हें 2 घंटों से हंसा रही थी। इस सेंटेंस में क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक रूप है, इसलिए इस सेंटेंस का अनुवाद हम लोग करते हैं सी हैड बीन मेकिंग यू लाफ फॉर 2 आवर्स या सी हैड बीन काउजिंग यू टू लाफ फॉर 2 आवर्स। फ्यूचर सिंपल में कुछ वाक्यों को देखें। नंबर 1, वह मुर्दे को भी हंसा देगा या वह मुर्दे को भी हंसाएगा। इस सेंटेंस में क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक रूप है, इसलिए इस सेंटेंस का अनुवाद हम लोग फर्स्ट स्ट्रक्चर के आधार पर करेंगे। ही विल मेक इवन द कॉप्स लाफ या ही विल काउज इवन द कॉप्स टू लाफ। नंबर 2, वह मुझे नकल कराएगा। इस सेंटेंस में क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक रूप है, इसलिए इस सेंटेंस का अनुवाद हम लोग करेंगे ही विल मेक मी इमिटेट या ही विल काउज मी टू इमिटेट। नंबर 3, तुम उसे नचाओगे। इस सेंटेंस में क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक रूप है और जिसमें क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक रूप रहेगा उसमें ऑब्जेक्ट के साथ को लगा हुआ ही होना चाहिए। और यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट उसे है, यानी उसे को आप उसको भी लिख सकते हैं।
फर्स्ट स्ट्रक्चर का प्रयोग करने के लिए किसी भी हिंदी वाक्य में दो शर्त पूरी होनी चाहिए। पहली शर्त, ऑब्जेक्ट के साथ को का चिन्ह लगा हुआ होना चाहिए या को का चिन्ह छिपा हुआ होना चाहिए। दूसरी शर्त, क्रिया के प्रथम प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग होना चाहिए। हम लोगों ने यहाँ देखा इस सेंटेंस में दोनों शर्त पूरी हो रही है, इसलिए इस सेंटेंस का अनुवाद हम लोग फर्स्ट स्ट्रक्चर के आधार पर करेंगे। यू विल मेक हिम डांस या यू विल काउज हिम टू डांस। हम लोगों ने यहाँ देखा इस प्रकार के सेंटेंस में दो शर्त पूरी होनी ही होनी चाहिए। नंबर फोर, मैं उसको माफी मंगाऊंगा। इस सेंटेंस में देखिए क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक रूप है और दूसरा ऑब्जेक्ट के साथ को लगा हुआ है, दोनों शर्त यहाँ पूरा हो रहा है, इसलिए इस सेंटेंस का अनुवाद हम लोग फर्स्ट स्ट्रक्चर के आधार पर करेंगे। आई विल मेक हिम अपोलोजाइज या आई विल काउज हिम टू अपोलोजाइज। नंबर फाइव, वह गुड़िया नचाएगा या वह गुड़िया को नचाएगा। इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के साथ को लगा हुआ नहीं है, छिपा हुआ है, या इस सेंटेंस में हम ऑब्जेक्ट के साथ को लगा भी सकते हैं। और दूसरी शर्त है यहाँ कि क्रिया के प्रथम प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है। हम लोगों ने देखा इस सेंटेंस में दोनों शर्त पूरी हो रही है, इसलिए इस सेंटेंस का अनुवाद हम लोग अंग्रेजी में फर्स्ट स्ट्रक्चर के आधार पर करेंगे। तो अनुवाद होगा ही विल मेक द डॉल डांस या ही विल काउज द डॉल टू डांस। फ्यूचर कंटिन्यूअस में कुछ वाक्यों को देखें। नंबर वन, वह मुझे रुलाता रहेगा। इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के रूप में है मुझे, जिसको आप मुझको भी लिख सकते हैं, और यहाँ क्रिया के प्रथम प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है, इसलिए सेंटेंस का अनुवाद होगा He will be making me weep या He will be causing me to weep। नंबर टू, तुम उसे नचाते रहोगे। इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के रूप में है उसे, उसे के जगह पर आप उसको भी लिख सकते हैं, और यहाँ क्रिया के प्रथम प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है, इसलिए इस सेंटेंस का अनुवाद होगा You will be making him dance या You will be causing him to dance। नंबर थ्री, हम लोग तुम्हें हंसाते रहेंगे। इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के जगह पर है तुम्हें, और तुम्हें के बदले तुमको भी लिखा जा सकता है, और इसमें क्रिया के प्रथम प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है, इसलिए इस सेंटेंस का अनुवाद हम लोग फर्स्ट स्ट्रक्चर के आधार पर करेंगे। वी शैल बी मेकिंग यू लाफ या We shall be causing you to laugh। फ्यूचर परफेक्ट में कुछ वाक्यों को देखें। नंबर वन, वह श्रोता को हंसा चुकेगा। इस वाक्य में ऑब्जेक्ट के साथ को लगा हुआ है, और दूसरी शर्त है क्रिया के प्रथम प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है, इसलिए इस सेंटेंस का अनुवाद हम लोग फर्स्ट स्ट्रक्चर के आधार पर करेंगे, और इसका अनुवाद होगा He will have made the audience laugh या He will have caused the audience to laugh। नंबर टू, तुम उसे रुला चुकोगे। इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के साथ को छिपा हुआ है, यानी उसे को आप उसको भी लिख सकते हैं, और दूसरी शर्त है क्रिया के प्रथम प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है, इसलिए इस सेंटेंस का अनुवाद हम लोग फर्स्ट स्ट्रक्चर के आधार पर कर सकते हैं। यू विल हैव मेड हिम वीप या You will have caused him to weep। नंबर थ्री, वह कलाकारों को नचा चुकेगा। इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के साथ को लगा हुआ है, और दूसरी शर्त है क्रिया के प्रथम प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है, इसलिए इस सेंटेंस का अनुवाद हम लोग फर्स्ट स्ट्रक्चर के आधार पर कर सकते हैं। He will have made the artists dance या He will have caused the artist टू डांस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में कुछ सेंटेंसों को देखें। नंबर वन, वह रोगी को व्यायाम कराती हुई रहेगी। इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के साथ को लगा हुआ है, यह पहली शर्त है, और दूसरी शर्त यह है कि यहां क्रिया के प्रथम प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है, इसलिए इस सेंटेंस का अनुवाद हम लोग फर्स्ट स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं।
She will have been making the patient take exercise. या she will have been causing the patient to take exercise. Number two, वह तुमको चलाती हुई रहेगी. इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के साथ को लगा हुआ है और दूसरी शर्त यहाँ है क्रिया के प्रथम प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है. अर्थात किसी भी सेंटेंस में दो शर्त कम से कम होना ही चाहिए. ऑब्जेक्ट के साथ को का चिन्ह लगा हुआ होना चाहिए या को का चिन्ह छिपा हुआ होना चाहिए. यदि छिपा हुआ भी है तो आप को का चिन्ह लगाकर लिख सकते हैं या बोल सकते हैं. और दूसरी शर्त है कि क्रिया के प्रथम प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग होना ही होना चाहिए. यदि दोनों शर्त पूरा होगा तो हम वैसे सेंटेंस का अनुवाद फर्स्ट स्ट्रक्चर के आधार पर कर सकते हैं. इस सेंटेंस का अनुवाद होगा अंग्रेजी में सी विल हैव बीन मेकिंग यू वॉक या सी विल हैव बीन काउजिंग यू टू वॉक. काउजेटिव वर्ब में हम लोग शुड का प्रयोग देखें. हम लोग जानते हैं कि शुड एक मॉडल हेल्पिंग वर्ब है और किसी भी मॉडल हेल्पिंग वर्ब के बाद या तो प्रेजेंट सिंपल का पैटर्न यूज होता है या प्रेजेंट परफेक्ट का पैटर्न यूज होता है. यहाँ शुड मॉडल हेल्पिंग वर्ब है इसलिए यहाँ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा. क्योंकि मॉडल हेल्पिंग वर्ब के बाद हम कभी भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के अलावा कोई दूसरा रूप प्रयोग नहीं करते हैं. पहला सेंटेंस देखिए, तुम्हें उसको हंसाना चाहिए. यहाँ चाहिए तो लगा हुआ है इसीलिए शुड का यूज होगा. लेकिन और भी कुछ शर्त देखें. इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के साथ को का विभक्ति लगा हुआ है और दूसरी बात यहाँ क्रिया के प्रथम प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है इसलिए इस सेंटेंस का अनुवाद हम लोग फर्स्ट स्ट्रक्चर के आधार पर करेंगे. और इसका अनुवाद होगा यू शुड मेक हिम लाफ या यू शुड काउज हिम टू लाफ. जब मेक काउजेटिव वर्ब का प्रयोग हुआ है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बिना टू का प्रयोग हुआ है और जब काउज काउजेटिव वर्ब का प्रयोग हुआ है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग टू सहित हुआ है. नंबर टू, मुझे तुम्हें रुलाना चाहिए. यहाँ ऑब्जेक्ट के साथ को लगा हुआ है. तुम्हें को आप तुमको भी कह सकते हैं और क्रिया के प्रथम प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है इसलिए इस सेंटेंस का अनुवाद हम लोग फर्स्ट स्ट्रक्चर के आधार पर करेंगे. और इस सेंटेंस में चाहिए भी लगा हुआ है इसलिए इस सेंटेंस में शुड का भी प्रयोग करेंगे. अब इस सेंटेंस का अनुवाद हम लोग देखें. आई शुड मेक यू वीप या आई शुड कॉज यू टू वीप. शुड के बाद हैव प्लस वर्ब थ्री का प्रयोग देखें. हम लोगों ने अभी सीखा है कि शुड के बाद या तो प्रेजेंट सिंपल का पैटर्न होगा या प्रेजेंट परफेक्ट का पैटर्न होगा. और हम लोग जानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब के थर्ड फॉर्म से पहले हैव आता ही आता है, चाहे हैव का फर्स्ट फॉर्म आए चाहे हैव का फिफ्थ फॉर्म आए. लेकिन चूंकि यहाँ शुड है मॉडल हेल्पिंग वर्ब है तो मॉडल हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आता है इसलिए हैव का केवल एक रूप यहाँ हैव ही आएगा. अब एक सेंटेंस को देखें, तुम्हें उसको हंसाना चाहिए था. इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के साथ को लगा हुआ है और क्रिया के प्रथम प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है इसलिए इस सेंटेंस का अनुवाद हम लोग फर्स्ट स्ट्रक्चर के आधार पर करेंगे. और इसका अनुवाद होगा यू शुड हैव मेड हिम लाफ या यू शुड हैव कॉज्ड हिम टू लाफ. नंबर टू, मुझे तुम्हें रुलाना चाहिए था. इस सेंटेंस में भी ऑब्जेक्ट के साथ तुम्हें लगा हुआ है क्योंकि तुम्हें को आप तुमको भी कह सकते हैं और क्रिया के प्रथम प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है इसलिए इस सेंटेंस का अनुवाद होगा आई शुड हैव मेड यू वीप या आई शुड हैव कॉज्ड यू टू वीप. कैन के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग सीखें. नंबर वन, वह मुझे हंसा सकता है या वह मुझको हंसा सकता है. यहाँ ऑब्जेक्ट के साथ को लगा हुआ है और क्रिया के प्रथम प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है इसलिए इस सेंटेंस का अनुवाद होगा ही कैन मेक मी लाफ या ही कैन काउज मी टू लाफ. नंबर टू,
तुम उसे नचा सकते हो। इसका अनुवाद भी फर्स्ट स्ट्रक्चर के आधार पर होगा, यू कैन मेक हिम डांस या यू कैन काउज हिम टू डांस। कैन के बाद प्रेजेंट परफेक्ट का पैटर्न देखें, अर्थात कैन के बाद हैव प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग देखें। नंबर वन, उसने मुझे हंसाया होगा या उसने मुझको हंसाया होगा। यहाँ संभावना व्यक्त की जा रही है। इस सेंटेंस का अनुवाद फर्स्ट स्ट्रक्चर के आधार पर होगा, ही कैन हैव मेड मी लाफ या ही कैन हैव कॉज्ड मी टू लाफ। नंबर टू, तुमने उसे नचाया होगा या तुमने उसको नचाया होगा। यहाँ संभावना व्यक्त की जा रही है और इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के साथ को लगा हुआ है, उसे को आप उसको भी कह सकते हैं, और क्रिया के प्रथम प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है, इसलिए इस सेंटेंस का अनुवाद हम लोग फर्स्ट स्ट्रक्चर के आधार पर करेंगे। यू कैन हैव मेड हिम डांस या यू कैन हैव काउज्ड हिम टू डांस। काउजेटिव वर्ब में कुड प्लस वर्ब वन का प्रयोग देखें। नंबर वन, वह मुझे हंसा सका या वह मुझको हंसा सका। इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के साथ को लगा हुआ है, मुझे को आप मुझको भी कह सकते हैं, और दूसरी बात, क्रिया के प्रथम प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है, इसलिए इस सेंटेंस का अनुवाद फर्स्ट स्ट्रक्चर के आधार पर किया जाता है, और इसका अनुवाद होता है, ही कुड मेक मी लाफ या ही कुड काउज मी टू लाफ। नंबर टू, तुम उसे नचा सके। इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के साथ को लगा हुआ है और क्रिया के प्रथम प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है, इसलिए इस सेंटेंस का अनुवाद फर्स्ट स्ट्रक्चर के आधार पर करेंगे, यू कुड मेक हिम डांस या यू कुड काउज हिम टू डांस। काउजेटिव वर्ब के स्ट्रक्चर में कुड के बाद हैव और उसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग देखें। नंबर वन, वह मुझे हंसा सकता था या वह मुझको हंसा सकता था। इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के साथ को लगा हुआ है और क्रिया के प्रथम प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है, इसलिए इस सेंटेंस का अनुवाद फर्स्ट स्ट्रक्चर के आधार पर करेंगे, ही कुड हैव मेड मी लाफ या ही कुड हैव काउज्ड मी टू लाफ। नंबर टू, तुम उसे नचा सकते थे या तुम उसको नचा सकते थे। यहाँ ऑब्जेक्ट के साथ को लगा हुआ है, यदि नहीं को लगा हुआ रहेगा तो आपको लगा सकते हैं, और क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है, इसलिए इस सेंटेंस का अनुवाद होगा, यू कुड हैव मेड हिम डांस या यू कुड हैव काउज्ड हिम टू डांस। मे के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग देखें। नंबर वन, वह मुझे हंसा सकता है या वह मुझको हंसा सकता है। इस सेंटेंस का अनुवाद हम लोग फर्स्ट स्ट्रक्चर के आधार पर करेंगे, ही मे मेक मी लाफ या ही मे काउज मी टू लाफ। नंबर टू, तुम उसे नचा सकते हो। इस सेंटेंस का अनुवाद भी फर्स्ट स्ट्रक्चर के आधार पर होगा, यू मे मेक हिम डांस या यू मे काउज हिम टू डांस। इस प्रकार के वाक्य में मे प्लस हैव प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग देखें। नंबर वन, उसने मुझे हंसाया होगा या उसने मुझको हंसाया होगा। इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के साथ को लगा हुआ है, यदि नहीं लगा हुआ है तो आप लगा सकते हैं, और क्रिया के प्रथम प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है, इसलिए इस सेंटेंस का अनुवाद होगा, ही मे हैव मेड मी लाफ या He may have caused me to laugh. Number two, तुमने उसे नचाया होगा या तुमने उसको नचाया होगा। इस सेंटेंस में एक शब्द ऐसा है जिसमें को का विभक्ति लगा हुआ है, और दूसरी शर्त यह है कि यहाँ क्रिया के प्रथम प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है, इसलिए इस सेंटेंस का अनुवाद फर्स्ट स्ट्रक्चर के आधार पर होगा, You may have made him dance या you may have caused him to dance. Might के बाद present simple का pattern देखें, अर्थात might के बाद verb के first form का प्रयोग देखें। Number one, वह मुझे हंसा सकता है या वह मुझको हंसा सकता है। जब हम लोग can का प्रयोग करते हैं तो वहाँ यह बोध होता है कि कार्य करने की उसमें पूरी क्षमता थी, लेकिन जब हम लोग may का प्रयोग करते हैं तो वहाँ यह बोध होता है कि कार्य करने की संभावना थी,
लेकिन जब हम लोग माइट का प्रयोग करते हैं तो यहाँ कार्य करने की संभावना बहुत कम होती है। इस सेंटेंस में आप लोग देखिए, ऑब्जेक्ट के रूप में मुझे है, मुझे के जगह पर आप मुझको भी लिख सकते हैं, यानी ऑब्जेक्ट के साथ यहाँ को लगा हुआ है। और दूसरी शर्त है, क्रिया के प्रथम प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है, इसलिए इस सेंटेंस का अनुवाद हम लोग फर्स्ट स्ट्रक्चर के आधार पर करेंगे। ही माइट मेक मी लाफ या ही माइट काउज मी टू लाफ। नंबर टू, तुम उसे नचा सकते हो। यू माइट मेक हिम डांस या यू माइट काउज हिम टू डांस। अब हम लोग इस प्रकार के वाक्यों में माइट प्लस हैव प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग देखें। नंबर वन, वह मुझे हंसा सकता था या उसने मुझे हंसाया होता। इस सेंटेंस में एक शब्द ऐसा है जिसके साथ को विभक्ति लगा हुआ है, यदि नहीं लगा हुआ है तो आप लगा सकते हैं। और दूसरी बात यहाँ यह है कि क्रिया के प्रथम प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है, इसलिए इस सेंटेंस का अनुवाद फर्स्ट स्ट्रक्चर पर होगा। ही माइट हैव मेड मी लाफ या ही माइट हैव काउज्ड मी टू लाफ। नंबर टू, तुम उसे नचा सकते थे या तुमने उसे नचाया होता। इस सेंटेंस का अनुवाद फर्स्ट स्ट्रक्चर पर होता है, यू माइट हैव मेड हिम डांस या यू माइट हैव काउज्ड हिम टू डांस। मस्ट के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग देखें। नंबर वन, तुम्हें उसको अवश्य हंसाना चाहिए। इसका अनुवाद होता है, यू मस्ट मेक हिम लाफ या यू मस्ट काउज हिम टू लाफ। नंबर टू, मुझे तुम्हें अवश्य रुलाना चाहिए। इस सेंटेंस को अंग्रेजी में लिखा जाता है, आई मस्ट मेक यू वीप या आई मस्ट काउज यू टू वीप। मस्ट के बाद हैव प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज सीखें। नंबर वन, उसने मुझे अवश्य हंसाया होगा या उसने मुझको अवश्य हंसाया होगा। इसका अनुवाद होता है, ही मस्ट हैव मेड मी लाफ या ही मस्ट हैव काउज्ड मी टू लाफ। नंबर टू, तुमने उसे अवश्य नचाया होगा या तुमने उसको अवश्य नचाया होगा। इस सेंटेंस का अनुवाद होता है, यू मस्ट हैव मेड हिम डांस या यू मस्ट हैव काउज्ड हिम टू डांस। यहाँ मस्ट के बाद प्रेजेंट सिंपल का पैटर्न देखें, अर्थात मस्ट के बाद वी के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग देखें। और यहाँ जो वर्ब का चौथा रूप है, यह कंटिन्यूअस नहीं बता रहा है, यह प्रेजेंट पार्टिसिपल बता रहा है, इस बात का आप यहाँ ध्यान रखेंगे। नंबर वन, वह मुझे निश्चित रूप से हंसा रहा होगा या वह मुझको निश्चित रूप से हंसा रहा होगा। यहाँ रहा लगा हुआ है, इसलिए हम लोगों को लगता है कि यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैटर्न है। लेकिन यहाँ देखिए, इस सेंटेंस को आप तीसरे तरीका से भी लिख सकते हैं, उसे मुझे निश्चित रूप से हंसाते हुए होना चाहिए। और इस सेंटेंस का अनुवाद हम लोग करते हैं, ही मस्ट बी मेकिंग मी लाफ या ही मस्ट बी काउजिंग मी टू लाफ। इस प्रकार के वाक्यों में मस्ट के बाद हैव, उसके बाद बीन और उसके बाद वर्ब के फोर्थ फॉर्म का प्रयोग देखें। नंबर वन, उसे मुझे निश्चित रूप से हंसाते हुए होना चाहिए था या उसे मुझे अवश्य हंसाते हुए होना चाहिए था। इस सेंटेंस में एक शब्द ऐसा है जिसके साथ को विभक्ति लगा हुआ है, आप मुझे को मुझको भी लिख सकते हैं। और दूसरी बात यहाँ यह है कि यहाँ क्रिया के प्रथम प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है, इसलिए इस सेंटेंस का अनुवाद फर्स्ट स्ट्रक्चर पर हम लोग करते हैं, ही मस्ट हैव बीन मेकिंग मी लाफ या He must have been causing me to laugh. Number two, तुम्हें उसे निश्चित रूप से नचाते हुए होना चाहिए था या तुम्हें उसे अवश्य नचाते हुए होना चाहिए था। इस सेंटेंस का अनुवाद होता है, You must have been making him dance या You must have been causing him to dance. Be के रूप के बाद able plus to plus verb के first form का प्रयोग देखें। आप बी के जगह पर प्रेजेंट टेंस में एम या आर या इज लिख सकते हैं और पास्ट टेंस में वाज या वर लिख सकते हैं और फ्यूचर टेंस में आप शैल बी या विल बी लिख सकते हैं। अब हम कुछ सेंटेंस को देखें। नंबर वन, वह मुझे हंसाने में समर्थ है
या वह मुझको हंसाने में सक्षम है। इस सेंटेंस का अनुवाद होता है ही इज एबल टू मेक मी लाफ या ही इज एबल टू काउज मी टू लाफ। नंबर टू, तुम उसे नचाने में समर्थ हो या तुम उसको नचाने में सक्षम हो। इस सेंटेंस का अनुवाद होता है यू आर एबल टू मेक हिम डांस या यू आर एबल टू काउज हिम टू डांस। बी के बाद नॉट प्लस एबल प्लस टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का उपयोग सीखें या बी के बाद नॉट एबल के जगह पर अनेबल प्लस टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग देखें। नंबर वन, वह मुझे हंसाने में समर्थ नहीं है या वह मुझको हंसाने में सक्षम नहीं है। इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन बनता है ही इज नॉट एबल टू मेक मी लाफ या ही इज अनएबल टू मेक मी लाफ या ही इज नॉट एबल टू काउज मी टू लाफ या ही इज अनएबल टू काउज मी टू लाफ। नंबर टू, तुम उसे नचाने में समर्थ नहीं हो या तुम उसको नचाने में सक्षम नहीं हो। इस सेंटेंस का अनुवाद बनता है यू आर नॉट एबल टू मेक हिम डांस या यू आर अनएबल टू मेक हिम डांस या यू आर नॉट एबल टू काउज हिम टू डांस या यू आर अनएबल टू काउज हिम टू डांस। बी के बाद एबल प्लस टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग देखें और बी के जगह पर हम लोग वाज या वर का प्रयोग करेंगे। नंबर वन, वह मुझे हंसाने में समर्थ था या वह मुझको हंसाने में सक्षम था। ही वॉज एबल टू मेक मी लाफ या ही वॉज एबल टू काउज मी टू लाफ। नंबर टू, तुम उसे नचाने में समर्थ थे या तुम उसको नचाने में सक्षम थे। यू आर एबल टू मेक हिम डांस या यू आर एबल टू काउज हिम टू डांस। बी के बाद एबल प्लस टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का उपयोग सीखें जब सेंटेंस फ्यूचर टेंस में हो। यहाँ बी के जगह पर हम लोग शैल बी या विल का प्रयोग करते हैं। नंबर वन, वह मुझे हंसा सकेगा या वह मुझको हंसा पाएगा। इस सेंटेंस का अनुवाद हम लोग करते हैं ही विल बी एबल टू मेक मी लाफ या ही विल बी एबल टू काउज मी टू लाफ। नंबर टू, तुम उसे नचा सकोगे या तुम उसको नचा पाओगे। इस सेंटेंस का अंग्रेजी में अनुवाद होता है यू विल बी एबल टू मेक हिम डांस या यू विल बी एबल टू काउज हिम टू डांस। शुड के बाद बी प्लस एबल प्लस टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग देखें। नंबर वन, उसे मुझे हंसाने में समर्थ होना चाहिए या उसे मुझको हंसाने में सक्षम होना चाहिए। इस सेंटेंस का अनुवाद होता है ही शुड बी एबल टू मेक मी लाफ या ही शुड बी एबल टू काउज मी टू लाफ। नंबर टू, तुम्हें उसे नचाने में समर्थ होना चाहिए या तुम्हें उसको नचाने में सक्षम होना चाहिए। इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन बनता है यू शुड बी एबल टू मेक हिम डांस या यू शुड बी एबल टू काउज हिम टू डांस। शुड के बाद हैव प्लस बीन प्लस एबल प्लस टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग देखें। इस सेंटेंस में देखिए यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट का पैटर्न यूज हुआ है। प्रेजेंट परफेक्ट में हम लोग जानते हैं कि वर्ब के थर्ड फॉर्म से पहले हैव के रूप का प्रयोग होता है। नंबर वन, उसे मुझे हंसाने में समर्थ होना चाहिए था या उसे मुझको हंसाने में सक्षम होना चाहिए था। इस सेंटेंस का अनुवाद होता है ही शुड हैव बीन एबल टू मेक मी लाफ या ही शुड हैव बीन एबल टू काउज मी टू लाफ। नंबर टू, तुम्हें उसे नचाने में समर्थ होना चाहिए था या तुमको उसको नचाने में सक्षम होना चाहिए था। इस सेंटेंस का अनुवाद होता है यू शुड हैव बीन एबल टू मेक हिम डांस या यू शुड हैव बीन एबल टू काउज हिम टू डांस। इस प्रकार के सेंटेंसों में गो ऑन के बाद वर्ब के चौथे रूप का प्रयोग या कीप ऑन के बाद वर्ब के फोर्थ फॉर्म का प्रयोग या कीप के बाद वर्ब के फोर्थ फॉर्म का प्रयोग या कंटिन्यू टू के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग सीखें। नंबर वन, वह मुझे हंसाती रहती है। इस सेंटेंस में आप देखें मुझे के साथ को लगा हुआ है, अर्थात मुझे को आप मुझको भी लिख सकते हैं और क्रिया के प्रथम प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है, इसलिए इस सेंटेंस का अनुवाद हम लोग
फर्स्ट स्ट्रक्चर के आधार पर करेंगे, अर्थात मेक या काउज का प्रयोग करके इस सेंटेंस का हम लोग अनुवाद करेंगे। लेकिन यहाँ हंसाती रहती है, इस प्रकार के सेंटेंस का अनुवाद हम लोगों ने देखा गो ऑन या कीप या कंटिन्यू टू का प्रयोग करके करते हैं। और इसका अनुवाद हम लोग बनाते हैं सी गोज ऑन मेकिंग मी लाफ या सी कीप्स ऑन मेकिंग मी लाफ या सी कीप्स मेकिंग मी लाफ या सी कंटिन्यूज टू मेक मी लाफ। विद्वान लोग कीप के बाद ऑन का प्रयोग करके फिर वर्ब के चौथे रूप का प्रयोग करते हैं। कुछ विद्वान कीप के बाद ऑन नहीं लिखते हैं और कीप के बाद वर्ब के चौथे रूप का प्रयोग करते हैं। दोनों प्रयोग आप बहुत अधिक देखेंगे, इसलिए दोनों ही प्रयोग आप कर सकते हैं। नंबर टू, मैं उसे दौड़ाता रहता हूँ। इस सेंटेंस में देखिए ऑब्जेक्ट के साथ को लगा हुआ है, इसका मतलब यह हुआ कि आप उसे को उसको भी लिख सकते हैं और क्रिया के प्रथम प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है। इसलिए इस सेंटेंस का अनुवाद हम लोग फर्स्ट स्ट्रक्चर के आधार पर करेंगे, अर्थात मेक या काउज लगा कर करेंगे। इस सेंटेंस का अनुवाद होगा आई गो ऑन मेकिंग हिम रन या आई कीप ऑन मेकिंग हिम रन या आई कीप मेकिंग हिम रन या आई कंटिन्यू टू मेक हिम रन या आई कंटिन्यू टू काउज हिम टू रन। जब हम लोग गो ऑन के रूप का प्रयोग करते हैं तो प्रेजेंट टेंस में गो ऑन या गोज ऑन लिखते हैं, पास्ट टेंस में वेंट ऑन लिखते हैं और फ्यूचर टेंस में शैल गो ऑन या विल गो ऑन लिखते हैं। जब हम लोग कीप ऑन का प्रयोग करते हैं तो प्रेजेंट टेंस में कीप ऑन या कीप्स ऑन का प्रयोग करते हैं और पास्ट टेंस में केप्ट ऑन लिखते हैं और फ्यूचर टेंस में शैल कीप ऑन या विल कीप ऑन लिखते हैं। जब हम लोग केवल कीप का प्रयोग करते हैं तो प्रेजेंट टेंस में कीप लिखते हैं या कीप्स लिखते हैं, पास्ट टेंस में केप्ट लिखते हैं और फ्यूचर टेंस में शैल कीप या विल कीप लिखते हैं। जब हम लोग कंटिन्यू का प्रयोग करते हैं तो प्रेजेंट टेंस में कंटिन्यू टू या कंटिन्यूज टू का प्रयोग करते हैं, पास्ट टेंस में कंटिन्यू टू का प्रयोग करते हैं और फ्यूचर टेंस में शैल कंटिन्यू टू या विल कंटिन्यू टू का प्रयोग करते हैं। शुड के बाद हम लोग गो ऑन प्लस वर्ब के फोर्थ फॉर्म का प्रयोग देखें या शुड प्लस कीप ऑन प्लस वर्ब के फोर्थ फॉर्म का प्रयोग देखें या शुड प्लस कीप प्लस वर्ब के फोर्थ फॉर्म या शुड प्लस कंटिन्यू प्लस टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग देखें। नंबर वन, उसे मुझे हंसाते रहना चाहिए। इस सेंटेंस का अनुवाद बनता है शी शुड गो ऑन मेकिंग मी लाफ या शी शुड कीप ऑन मेकिंग मी लाफ या शी शुड कीप मेकिंग मी लाफ या She should continue to make me laugh. Number two, मुझे उसे दोहराते रहना चाहिए। इस सेंटेंस का अनुवाद होता है I should go on making him run या I should go on causing him to run या I should keep on making him run या I should keep making him run या I should continue to make him run या I should continue to cause him to run। हम लोगों ने यहाँ देखा कि जब हम लोग मेक का प्रयोग करते हैं तो उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बिना टू का प्रयोग करते हैं और जब हम लोग काउज का प्रयोग करते हैं तो उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग टू सहित करते हैं। शुड के बाद प्रेजेंट परफेक्ट पैटर्न को देखें, अर्थात शुड के बाद हैव प्लस गॉन का प्रयोग देखें और इसके बाद तो हम लोग जानते ही हैं कि ऑन लगाते हैं और उसके बाद वर्ब के चौथे रूप का प्रयोग करते हैं या शुड के बाद हैव प्लस केप्ट ऑन प्लस वर्ब के चौथे रूप का प्रयोग करते हैं या शुड के बाद हैव प्लस केप्ट प्लस वर्ब के चौथे रूप का प्रयोग करते हैं या शुड के बाद हैव प्लस कंटिन्यूड टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। यहाँ हम लोगों ने देखा कि हैव के बाद जहाँ जहाँ भी हैव है उसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। नंबर वन, उसे मुझे हंसाते रहना चाहिए था। इस सेंटेंस का अनुवाद होता है शी शुड हैव गॉन ऑन मेकिंग मी लाफ या शी शुड हैव केप्ट ऑन मेकिंग मी लाफ या शी शुड हैव केप्ट मेकिंग मी लाफ या शी शुड हैव कंटिन्यू टू मेक मी लाफ। नंबर टू, मुझे उसे दोहराते रहना चाहिए था। इस सेंटेंस का अनुवाद होता है आई शुड हैव गॉन ऑन मेकिंग हिम रन या आई शुड हैव गॉन ऑन काउजिंग हिम टू रन या I should have kept on making him run या
आई शुड हैव केप्ट मेकिंग हिम रन या आई शुड हैव कंटिन्यूड टू मेक हिम रन या आई शुड हैव कंटिन्यूड टू कॉज हिम टू रन। इस प्रकार के वाक्यों में हम लोग डू के बाद नथिंग बट और उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग देखें। नंबर वन, वह मुझे हंसाती ही रहती है। इस सेंटेंस में एक शब्द ऐसा है जिसके साथ को लगा हुआ है। मुझे को आप मुझको भी लिख सकते हैं। और दूसरी बात यहाँ यह है कि क्रिया के प्रथम प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है, इसलिए इस सेंटेंस का अनुवाद हम लोग फर्स्ट स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं। सी डज नथिंग बट मेक मी लाफ या सी डज नथिंग बट काउज मी टू लाफ। नंबर टू, मैं उसे दौड़ाता ही रहता हूँ। इस सेंटेंस का अनुवाद होता है आई डू नथिंग बट मेक हिम रन या आई डू नथिंग बट काउज हिम टू रन। शुड के बाद डू प्लस नथिंग बट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग देखें। नंबर वन, उसे मुझे हंसाते ही रहना चाहिए। इस सेंटेंस में देखिए एक ऑब्जेक्ट के साथ को लगा हुआ है और दूसरी बात क्रिया के प्रथम प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है, इसलिए इस सेंटेंस का अनुवाद हम लोग कॉजेटिव वर्ब के फर्स्ट स्ट्रक्चर के आधार पर करेंगे। शी शुड डू नथिंग बट मेक मी लाफ या शी शुड डू नथिंग बट काउज मी टू लाफ। नंबर टू, मुझे उसे दौड़ाते ही रहना चाहिए। इस सेंटेंस में देखिए एक ऑब्जेक्ट है जिसके साथ को लगा हुआ है, उसे के जगह पर आप उसको भी कह सकते हैं। और दूसरी बात क्रिया के प्रथम प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है, इसलिए इस सेंटेंस का अनुवाद हम लोग फर्स्ट स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं और इसका अनुवाद होता है आई शुड डू नथिंग बट मेक हिम रन। I should do nothing but cause him to run. Should के बाद have plus done plus nothing but plus verb के first form का प्रयोग देखें। Number one, उसे मुझे हंसाते ही रहना चाहिए था। इस sentence में एक शब्द ऐसा है जिसके साथ को विभक्ति लगा हुआ है। इस शब्द को आप मुझको भी लिख सकते हैं। और दूसरी शर्त यहाँ यह है, दूसरी बात यहाँ यह है कि क्रिया के प्रथम प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है, इसलिए इस सेंटेंस का अनुवाद हम लोग फर्स्ट स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं। शी शुड हैव डन नथिंग बट मेक मी लाफ या शी शुड हैव डन नथिंग बट काउज मी टू लाफ। नंबर टू, मुझे उसे दौड़ाते ही रहना चाहिए था। इस सेंटेंस का अनुवाद होता है आई शुड हैव डन नथिंग बट मेक हिम रन या आई शुड हैव डन नथिंग बट काउज हिम टू रन। बी के बाद टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग देखें। नंबर वन, तुम उसे नचाने को हो या तुम उसे नचाने वाले हो। इस सेंटेंस का अनुवाद होता है यू आर टू मेक हिम डांस या यू आर टू काउज हिम टू डांस। नंबर टू, मैं तुम्हें रुलाने को हूँ या मैं तुम्हें रुलाने वाला हूँ। इस सेंटेंस का अनुवाद होता है आई एम टू मेक यू वीप या आई एम टू काउज यू टू वीप। इस प्रकार के वाक्यों को भी आप सीख लें। माई इंटेंशन के बाद बी प्लस टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग सीखें। नंबर वन, उसका इरादा मुझे दौड़ाना है। इसका अनुवाद होता है हिज इंटेंशन इज टू मेक मी रन या हिज इंटेंशन इज टू काउज मी टू रन। नंबर टू, मेरा इरादा तुम्हें हंसाना है। इसका अनुवाद होता है माई इंटेंशन इज टू मेक यू लाफ या माई इंटेंशन इज टू काउज यू टू लाफ। बी के बाद अबाउट प्लस टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग देखें। नंबर वन, वह तुम्हें हंसाने ही वाला है या वह तुम्हें हंसाने हंसाने को है या वह तुम्हें करीब करीब हंसाने को है। इस सेंटेंस का अनुवाद हम लोग करते हैं ही इज अबाउट टू मेक यू लाफ या ही इज अबाउट टू काउज यू टू लाफ। यहाँ आप देखें एक शब्द ऐसा है जिसके साथ को विभक्ति लगा हुआ है, तुम्हें के जगह पर आप तुमको भी लिख सकते हैं या तुम लोगों को भी लिख सकते हैं। और दूसरी बात यहाँ है क्रिया के प्रथम प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है। नंबर टू,
मैं तुम्हें रुलाने ही वाला हूँ या मैं तुम्हें रुलाने ही को हूँ। इस सेंटेंस में भी आप देखें एक शब्द ऐसा है यानी ऑब्जेक्ट है जिसके साथ को लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है यहाँ तुम्हें में, तो आप तुम्हें के जगह पर तुमको भी लिख सकते हैं। और दूसरी बात यहाँ है क्रिया के प्रथम प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है, इसलिए इस सेंटेंस का अनुवाद हम लोग फर्स्ट स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं। आई एम अबाउट टू मेक यू वीप या आई एम अबाउट टू कॉज यू टू वीप। हैव के बाद टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज देखें। नंबर वन, मुझे उसे सुलाना है या मुझे उसे सुलाना पड़ता है या मुझे उसे सुलाना होता है। इस सेंटेंस में देखें एक शब्द यानी ऑब्जेक्ट के साथ को लगा हुआ है, उसे के जगह पर आप उसको भी लिख सकते हैं। और दूसरी बात, यहाँ क्रिया के प्रथम प्रेरणार्थक रूप का यूज हुआ है, इसलिए इस सेंटेंस का अनुवाद फर्स्ट स्ट्रक्चर के आधार पर करेंगे। आई हैव टू मेक हिम स्लीप या आई हैव टू काउज हिम टू स्लीप। नंबर टू, मुझे तुम्हें दौड़ाना है या मुझे तुम्हें दौड़ाना पड़ता है या मुझे तुम्हें दौड़ाना होता है। इस सेंटेंस का अनुवाद होता है आई हैव टू मेक यू रन या आई हैव टू काउज यू टू रन। इस प्रकार के सेंटेंसों में कैन के बाद हैव, उसके बाद टू और उसके बाद वर्ब के पहले रूप का प्रयोग देखें। नंबर वन, मुझे उसे सुलाना पड़ सकता है। इस सेंटेंस में एक शब्द ऐसा है अर्थात ऑब्जेक्ट के साथ को लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है तो आप उसे के जगह पर उसको भी लिख सकते हैं। और दूसरी बात यहाँ है कि क्रिया के प्रथम प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है, इसलिए इस सेंटेंस का अनुवाद हम लोग फर्स्ट स्ट्रक्चर के आधार पर करेंगे। आई कैन हैव टू मेक हिम स्लीप या आई कैन हैव टू काउज हिम टू स्लीप। नंबर टू, मुझे तुम्हें दौड़ाना पड़ सकता है। इस सेंटेंस का अनुवाद होता है आई कैन हैव टू मेक यू रन या आई कैन हैव टू काउज यू टू रन। कैन के बाद हैव, उसके बाद हैड, उसके बाद टू और उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग देखें। नंबर वन, तुम्हें उसे सुलाना पड़ा होगा। इस सेंटेंस का अनुवाद होता है यू कैन हैव हैड टू मेक हिम स्लीप या You can have had to cause him to sleep. Number two, उसे तुम्हें दौड़ाना पड़ा होगा। यहाँ संभावना व्यक्त की जा रही है। इस सेंटेंस का अनुवाद होता है He can have had to make you run या He can have had to cause you to run. इस प्रकार के सेंटेंसों में देखें can के बाद present perfect pattern का प्रयोग हुआ है। Present perfect में हम लोग जानते हैं कि वर्ब के थर्ड फॉर्म से पहले हैव का प्रयोग किया जाता है। कुड के बाद हैव प्लस हैड प्लस टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग देखें, अर्थात कुड के बाद प्रेजेंट परफेक्ट का पैटर्न देखें। प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब के थर्ड फॉर्म से पहले हैव के रूप का प्रयोग होता है। नंबर वन, मुझे उसे सुलाना पड़ सकता था। इस सेंटेंस का अनुवाद होता है I could have had to make him sleep या I could have had to cause him to sleep. Number two, मुझे तुम्हें दौड़ाना पड़ सकता था। इस सेंटेंस का अनुवाद होता है I could have had to make you run या I could have had to cause you to run. May के बाद have plus two plus verb के first form का उपयोग देखें। Number one, मुझे उसे सुलाना पड़ सकता है। इस सेंटेंस का अनुवाद होता है आई मे हैव टू मेक हिम स्लीप या आई मे हैव टू काउज हिम टू स्लीप। इस सेंटेंस में देखें एक शब्द ऐसा है जिसके साथ को लगा हुआ है, यदि को नहीं लगा हुआ है तो आप उसे के जगह पर उसको भी लिख सकते हैं। और दूसरी बात, क्रिया के प्रथम प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है। नंबर टू, मुझे तुम्हें दौड़ाना पड़ सकता है। इस सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट ऐसा है जिसके साथ को लगा हुआ है और दूसरी बात, क्रिया के प्रथम प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है, इसलिए इस सेंटेंस का अनुवाद हम लोग फर्स्ट स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं। आई मे हैव टू मेक यू रन या आई मे हैव टू काउज यू टू रन। जब हमने मेक का प्रयोग किया है तो उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग बिना टू के किया है, और जब हम लोगों ने काउज का प्रयोग किया है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग टू सहित किया है।
मे के बाद हैव प्लस हैड प्लस टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग देखें। नंबर वन, तुम्हें उसे सुलाना पड़ा होगा। इस सेंटेंस का अनुवाद होता है यू मे हैव हैड टू मेक हिम स्लीप या यू मे हैव हैड टू काउज हिम टू स्लीप। इस सेंटेंस में भी क्रिया के प्रथम प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है और ऑब्जेक्ट के साथ को का चिन्ह लगा हुआ है। नहीं लगा हुआ है तो उसे को आप उसको भी लिख सकते हैं। नंबर टू, उसे तुम्हें दोहराना पड़ा होगा। यहाँ संभावना व्यक्त की जा रही है। इस सेंटेंस का अनुवाद होता है ही मे हैव हैड टू मेक यू रन या ही मे हैव हैड टू काउज यू टू रन। माइट के बाद हैव प्लस टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग देखें। नंबर वन, मुझे उसे सुलाना पड़ सकता है। इस सेंटेंस में देखिए एक ऑब्जेक्ट है उसे, जिसे आप उसको भी लिख सकते हैं, और दूसरी बात क्रिया के प्रथम प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है। यहाँ सोना का प्रथम प्रेरणार्थक रूप सुलाना है, इसलिए इस सेंटेंस का अनुवाद हम लोग कॉजेटिव वर्ब के फर्स्ट स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं। आई माइट हैव टू मेक हिम स्लीप या आई माइट हैव टू काउज हिम टू स्लीप। नंबर टू, मुझे तुम्हें दोहराना पड़ सकता है। इस सेंटेंस में देखिए एक ऑब्जेक्ट है तुम्हें, तुम्हें के जगह पर आप तुमको भी लिख सकते हैं, यानी यहाँ ऑब्जेक्ट के साथ को लगा हुआ है, और दूसरी बात क्रिया के प्रथम प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है, इसलिए इस सेंटेंस का अनुवाद हम लोग काउजेटिव वर्ब के फर्स्ट स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं। आई माइट हैव टू मेक यू रन या आई माइट हैव टू काउज यू टू रन। माइट के बाद हैव प्लस हैड प्लस टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग देखें। नंबर वन, मुझे उसे सुलाना पड़ सकता था या मुझे उसे सुलाना पड़ा होता। इस सेंटेंस का अनुवाद होता है आई माइट हैव हैड टू मेक हिम स्लीप या आई माइट हैव हैड टू काउज हिम टू स्लीप। नंबर टू, मुझे तुम्हें दोहराना पड़ सकता था या मुझे तुम्हें दोहराना पड़ा होता। इस सेंटेंस का अनुवाद होता है आई माइट हैव हैड टू मेक यू रन या आई माइट हैव हैड टू काउज यू टू रन। दोनों सेंटेंस में क्रिया के प्रथम प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है। सोना से सुलाना बन गया है और दौड़ना से दौड़ाना बन गया है। बी के बाद बाउंड प्लस टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग देखें। नंबर वन, मुझे उसे सुलाना ही है या मुझे उसे सुलाना ही पड़ता है या मुझे उसे सुलाना ही होता है। इस सेंटेंस का अनुवाद होता है आई एम बाउंड टू मेक हिम स्लीप या आई एम बाउंड टू काउज हिम टू स्लीप या आई एम कंपेल्ड टू मेक हिम स्लीप या I am compelled to cause him to sleep. Number two, मुझे तुम्हें दौड़ाना ही है या मुझे तुम्हें दौड़ाना ही पड़ता है या मुझे तुम्हें दौड़ाना ही होता है। इस सेंटेंस का अनुवाद होता है I am bound to make you run या I am bound to cause you to run या I am compelled to make you run या I am compelled to cause you to run. शुड के बाद बी प्लस बाउंड प्लस टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग देखें। नंबर वन, मुझे उसे सुलाना ही चाहिए। इस सेंटेंस का अनुवाद होता है आई शुड बी बाउंड टू मेक हिम स्लीप या आई शुड बी बाउंड टू काउज हिम टू स्लीप या आई शुड बी कंपेल्ड टू मेक हिम स्लीप या आई शुड बी कंपेल्ड टू काउज हिम टू स्लीप। नंबर टू, मुझे तुम्हें दौड़ाना ही चाहिए। इस सेंटेंस का अनुवाद होता है आई शुड बी बाउंड टू मेक यू रन या आई शुड बी बाउंड टू काउज यू टू रन या आई शुड बी कंपेल्ड टू मेक यू रन या आई शुड बी कंपेल्ड टू काउज यू टू रन। इस सेंटेंस में देखिए एक शब्द है, एक ऑब्जेक्ट है जिसके साथ को विभक्ति लगा हुआ है। तुम्हें को आप तुमको भी लिख सकते हैं, और दूसरी बात है क्रिया के प्रथम प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है। दौड़ना से दौड़ाना बन गया है। शुड के बाद हैव प्लस बीन प्लस बाउंड प्लस टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग देखें। नंबर वन, मुझे उसे सुलाना ही चाहिए था। इस सेंटेंस में एक शब्द ऐसा है जिसके साथ को विभक्ति लगा हुआ है। उसे के जगह पर आप उसको भी लिख सकते हैं,
और दूसरी बात है क्रिया के प्रथम प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है। सोना से यहाँ सुलाना बन गया है, इसलिए इस सेंटेंस का अनुवाद हम काउजेटिव वर्ब के प्रथम स्ट्रक्चर के आधार पर करेंगे। आई शुड हैव बीन बाउंड टू मेक हिम स्लीप या आई शुड हैव बीन बाउंड टू काउज हिम टू स्लीप या आई शुड हैव बीन कंपेल्ड टू मेक हिम स्लीप या आई शुड हैव बीन कंपेल्ड टू काउज हिम टू स्लीप। नंबर टू, मुझे तुम्हें दौड़ाना ही चाहिए था। इस सेंटेंस का अनुवाद बनता है आई शुड हैव बीन बाउंड टू मेक यू रन या आई शुड हैव बीन बाउंड टू काउज यू टू रन या आई शुड हैव बीन कंपेल्ड टू मेक यू रन या आई शुड हैव बीन कंपेल्ड टू काउज यू टू रन। बिगिन के बाद टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग देखें या स्टार्ट के बाद वर्ब के फोर्थ फॉर्म का प्रयोग देखें। नंबर वन, तुम उस बच्चा को रुलाने लगते हो। इस सेंटेंस का अनुवाद बनता है यू बिगिन टू मेक दैट चाइल्ड वीप या यू स्टार्ट मेकिंग दैट चाइल्ड वीप। नंबर टू, वह मुझे हंसाने लगती है। इस सेंटेंस का अनुवाद बनता है सी बिगिन्स टू मेक मी लाफ या सी स्टार्ट्स मेकिंग मी लाफ। शुड के बाद बिगिन प्लस टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग देखें या शुड के बाद स्टार्ट प्लस वर्ब के फोर्थ फॉर्म का प्रयोग देखें। नंबर वन, तुम्हें उस बच्चा को रुलाने लगना चाहिए। इस सेंटेंस का अनुवाद होता है यू शुड बिगिन टू मेक दैट चाइल्ड वीप या यू शुड स्टार्ट मेकिंग दैट चाइल्ड वीप। इस सेंटेंस का अनुवाद आप लोग मेक के जगह पर काउज का प्रयोग करके भी कर सकते हैं। नंबर टू, उसे मुझे हंसाने लगना चाहिए। इस सेंटेंस का अनुवाद होता है शी शुड बिगिन टू मेक मी लाफ या सी शुड स्टार्ट मेकिंग मी लाफ। इस वाक्य में आप मेक के जगह पर काउज का भी प्रयोग कर सकते हैं। शुड के बाद हैव प्लस बीगन प्लस टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग देखें। शुड के बाद हैव प्लस स्टार्टेड प्लस वर्ब के फोर्थ फॉर्म का प्रयोग देखें। यहाँ शुड के बाद प्रेजेंट परफेक्ट का पैटर्न यूज हुआ है। हम लोग जानते हैं कि परफेक्ट के लिए वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है और परफेक्ट से पहले हमेशा हैव का प्रयोग किया जाता है। नंबर वन, तुम्हें उस बच्चा को रुलाने लगना चाहिए था। इस सेंटेंस का अनुवाद होता है यू शुड हैव बिगन टू मेक दैट चाइल्ड वीप या यू शुड हैव स्टार्टेड मेकिंग दैट चाइल्ड वीप। इस सेंटेंस में मेक के जगह पर आप काउज का भी प्रयोग कर सकते हैं। नंबर टू, उसे मुझे हंसाने लगना चाहिए था। इस सेंटेंस का अनुवाद होता है शी शुड हैव बिगन टू मेक मी लाफ या शी शुड हैव स्टार्टेड मेकिंग मी लाफ। इस सेंटेंस में आप मेक के जगह पर काउज और मेकिंग के जगह पर काउजिंग का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन काउज के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म टू सहित आएगा। कैन के बाद बिगिन प्लस टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग देखें या कैन के बाद स्टार्ट प्लस वर्ब के फोर्थ फॉर्म का प्रयोग देखें। नंबर वन, तुम उस बच्चा को रुलाने लग सकते हो। इस सेंटेंस का अनुवाद होता है You can begin to make that child weep या you can start making that child weep। इस सेंटेंस में आप make के जगह पर cause और making के जगह पर causing का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जब हम cause का प्रयोग करेंगे तो उसके बाद verb का first form to सहित आएगा। Number टू, वह मुझे हंसाने लग सकता है। इस सेंटेंस का अनुवाद होता है She can begin to make me laugh या सी कैन स्टार्ट मेकिंग मी लाफ। इस सेंटेंस में आप काउज का भी प्रयोग कर सकते हैं मेक के जगह पर। उस स्थिति में यहाँ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले टू आएगा। इस प्रकार के हिंदी के वाक्यों में आप देखें क्रिया के प्रथम प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है और एक ऑब्जेक्ट ऐसा आया है जिसके साथ को विभक्ति लगा हुआ है। यदि नहीं भी लगा हुआ है तो आप को का विभक्ति लगा सकते हैं। कैन के बाद हैव प्लस बीगन प्लस टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग देखें। कैन के बाद हैव प्लस स्टार्टेड प्लस वर्ब के फोर्थ फॉर्म का प्रयोग देखें। यहाँ हम लोगों ने देखा कि कैन के बाद प्रेजेंट परफेक्ट का पैटर्न यूज हुआ है। परफेक्ट के लिए वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग हुआ है और परफेक्ट से पहले हैव के रूप का प्रयोग हुआ है। नंबर वन, तुम उस बच्चा को रुलाने लगे होगे। यहाँ
संभावना व्यक्त की जा रही है। इस सेंटेंस का अनुवाद होता है, यू कैन हैव बिगन टू मेक दैट चाइल्ड वीप, या यू कैन हैव स्टार्टेड मेकिंग दैट चाइल्ड वीप। मेक के जगह पर काउज का और मेकिंग के जगह पर काउजिंग का प्रयोग कर सकते हैं। उस स्थिति में जब हम काउज का प्रयोग करेंगे तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले टू आएगा ही आएगा। नंबर टू, वह तुम्हें हंसाने लगी होगी। इस सेंटेंस का अनुवाद होता है, सी कैन हैव बिगन टू मेक यू लाफ, या सी कैन हैव स्टार्टेड मेकिंग यू लाफ। यहाँ हम लोग देखते हैं कि हिंदी के वाक्यों में क्रिया के प्रथम प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है। मे के बाद बिगिन प्लस टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग देखें, या मे के बाद स्टार्ट प्लस वर्ब के फोर्थ फॉर्म का प्रयोग देखें। नंबर वन, तुम उस बच्चा को रुलाने लग सकते हो। इस सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट है उस बच्चा को, यहाँ उस बच्चा के साथ को लगा हुआ है, और दूसरी बात है क्रिया के प्रथम प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है, इसलिए इस सेंटेंस का अनुवाद हम लोग काउजेटिव वर्ब के फर्स्ट स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं। यू मे बिगिन टू मेक दैट चाइल्ड वीप, या यू मे स्टार्ट मेकिंग दैट चाइल्ड वीप। आप चाहें तो यहाँ मेक के जगह काउज का प्रयोग कर सकते हैं, उस स्थिति में इस वीप से पहले टू का प्रयोग होगा, और इस मेकिंग के जगह काउजिंग का प्रयोग कर सकते हैं, इस स्थिति में वीप से पहले टू का प्रयोग होगा। दूसरा सेंटेंस देखें, वह मुझे हंसाने लग सकता है। इस सेंटेंस में मुझे के जगह पर आप मुझको लिख सकते हैं, और दूसरी बात यहाँ क्रिया के प्रथम प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है, इसलिए इस सेंटेंस का अनुवाद हम लोग फर्स्ट स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं। सी मे बिगिन टू मेक मी लाफ, या सी मे स्टार्ट मेकिंग मी लाफ। आप चाहें तो यहाँ मेक के जगह पर काउस और मेकिंग के जगह पर काउजिंग का प्रयोग कर सकते हैं, और इस स्थिति में लाफ से पहले आप टू का प्रयोग करें। मे के बाद है प्लस बीगन प्लस टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग देखें। मे के बाद है प्लस स्टार्टेड प्लस वर्ब के फोर्थ फॉर्म का प्रयोग देखें। नंबर वन, तुम उस बच्चा को रुलाने लगे होगे। यहाँ संभावना व्यक्त की जा रही है, और यहाँ एक ऑब्जेक्ट उस बच्चा के साथ को लगा हुआ है, दूसरी बात क्रिया के प्रथम प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है, इसलिए इस सेंटेंस का अनुवाद हम लोग फर्स्ट स्ट्रक्चर के आधार पर करेंगे। यू मे हैव बिगन टू मेक दैट चाइल्ड वीप, या यू मे हैव स्टार्टेड मेकिंग दैट चाइल्ड वीप। यहाँ आप मेक के जगह पर काउस और मेकिंग के जगह पर काउजिंग का प्रयोग कर सकते हैं, इस स्थिति में वीप से पहले टू का प्रयोग होगा, और इस वीप से भी पहले टू का प्रयोग होगा। नंबर टू, वह तुम्हें हंसाने लगी होगी। इस वाक्य में संभावना व्यक्त की जा रही है। इस वाक्य में देखिए एक ऑब्जेक्ट है तुम्हें, तुम्हें के जगह पर आप तुमको भी लिख सकते हैं, और दूसरी बात क्रिया के प्रथम प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है, इसलिए सेंटेंस का अनुवाद हम लोग फर्स्ट स्ट्रक्चर के आधार पर करेंगे। सी मे हैव बिगन टू मेक यू लाफ, या सी मे हैव स्टार्टेड मेकिंग यू लाफ। इस सेंटेंस में आप मेक के जगह काउस और मेकिंग के जगह काउजिंग का प्रयोग कर सकते हैं, इस स्थिति में लाफ से पहले आप टू का प्रयोग करेंगे, इस लाफ से भी पहले आप टू का प्रयोग करेंगे। माइट के बाद बिगिन प्लस टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग देखें, या माइट के बाद स्टार्ट प्लस वर्ब के फोर्थ फॉर्म का प्रयोग देखें। नंबर वन, तुम उस बच्चा को रुलाने लग सकते हो। इस सेंटेंस का अनुवाद फर्स्ट स्ट्रक्चर के आधार पर होगा, यू माइट बिगिन टू मेक दैट चाइल्ड वीप, या यू माइट स्टार्ट मेकिंग दैट चाइल्ड वीप। आप यदि मेक की जगह काउज का प्रयोग करेंगे तो यहाँ वीप से पहले टू का प्रयोग करेंगे, और यदि मेकिंग की जगह काउजिंग का प्रयोग करेंगे तो वीप से पहले आप टू का प्रयोग करेंगे। नंबर टू, वह मुझे हंसाने लग सकता है, ऐसी संभावना है। इस सेंटेंस में देखिए एक ऑब्जेक्ट है मुझे, आप मुझे के जगह पर मुझको भी लिख सकते हैं, और दूसरी बात क्रिया के प्रथम प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है, इसलिए सेंटेंस का अनुवाद हम लोग फर्स्ट स्ट्रक्चर के आधार पर करेंगे। शी माइट बिगिन टू मेक मी लाफ, या शी माइट स्टार्ट मेकिंग मी लाफ। माइट के बाद है प्लस बिगन प्लस टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग देखें, या
माइट के बाद है प्लस स्टार्टेड प्लस वर्ब के फोर्थ फॉर्म का प्रयोग देखें। नंबर वन, तुम उस बच्चा को रुलाने लग सकते थे या तुम उस बच्चा को रुलाने लगे होते। इस सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट है उस बच्चा को और दूसरी बात क्रिया के प्रथम प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है, इसलिए इस सेंटेंस का अनुवाद हम लोग फर्स्ट स्ट्रक्चर के आधार पर करेंगे। यू माइट हैव बिगन टू मेक दैट चाइल्ड वीप या यू माइट हैव स्टार्टेड मेकिंग दैट चाइल्ड वीप। नंबर टू, वह तुम्हें हंसाने लग सकती थी या वह तुम्हें हंसाने लगी होती। इस सेंटेंस का अनुवाद होता है सी माइट हैव बिगन टू मेक यू लाफ या सी माइट हैव स्टार्टेड मेकिंग यू लाफ। अब हम लोग कुछ ऐसा वाक्य देखेंगे जिसमें बी के बाद इन द हैबिट ऑफ और उसके बाद वर्ब के फोर्थ फॉर्म का प्रयोग होता है या हैव के रूप के बाद द हैबिट ऑफ और उसके बाद वर्ब के फोर्थ फॉर्म का प्रयोग होता है या बी के रूप के बाद हैबिचुएटेड ऑफ और उसके बाद वर्ब के फोर्थ फॉर्म का प्रयोग होता है या बी के बाद यूज्ड टू और उसके बाद वर्ब के फोर्थ फॉर्म का प्रयोग होता है या बी के रूप के बाद accustomed to और वर्ब के फोर्थ फॉर्म का प्रयोग होता है या बी के बाद accustomed to और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। इस प्रकार के स्ट्रक्चरों में आपने देखा कि accustomed to के बाद वर्ब के फोर्थ फॉर्म का भी प्रयोग किया जाता है और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का भी प्रयोग किया जाता है। आप दोनों में से कोई एक प्रयोग कर सकते हैं। नंबर वन, उसे मुझे दौड़ाने की आदत है या वह मुझे दौड़ाया करता है। इस सेंटेंस का अनुवाद देखें फर्स्ट स्ट्रक्चर के आधार पर करेंगे, क्योंकि इस सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट है मुझे, आप मुझे के जगह पर मुझको भी लिख सकते हैं और दूसरी बात क्रिया के प्रथम प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है। इसका अनुवाद होगा ही इज इन द हैबिट ऑफ मेकिंग मी रन या ही हैज द हैबिट ऑफ मेकिंग मी रन या ही इज हैबिचुएटेड ऑफ मेकिंग मी रन या He is used to making me run या he is accustomed to making me run या he is accustomed to make me run। यहाँ आप देखें accustomed to के बाद verb का fourth form का भी प्रयोग हुआ है और accustomed to के बाद verb के first form का भी प्रयोग हुआ है। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखें कि accustomed to के बाद verb के fourth form का भी प्रयोग किया जाता है और verb के first form का भी प्रयोग किया जाता है। नंबर टू, उसे मुझे हंसाने की आदत है या वह मुझे हंसाया करता है। इस सेंटेंस में देखिए एक ऑब्जेक्ट है मुझे, मुझे के जगह पर आप मुझको भी लिख सकते हैं और दूसरी बात है क्रिया के प्रथम प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है, इसलिए सेंटेंस का अनुवाद हम लोग फर्स्ट स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं। ही इज इन द हैबिट ऑफ मेकिंग मी लाफ या ही इज इन द हैबिट ऑफ काउजिंग मी टू लाफ या He is habituated of making me laugh या he is used to making me laugh या he is accustomed to making me laugh या he has the habit of making me laugh। इस प्रकार के वाक्यों में हम लोगों ने देखा accustomed to के बाद verb के fourth form का भी प्रयोग होता है और verb के first form का भी प्रयोग किया जाता है और किसी भी sentence में आप making के जगह पर causing का प्रयोग कर सकते हैं। Like के बाद टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग देखें या like के बाद वर्ब के फोर्थ फॉर्म का प्रयोग देखें। नंबर वन, तुम उस बच्चा को रुलाना पसंद करते हो। इस सेंटेंस का अनुवाद होता है यू लाइक टू मेक दैट चाइल्ड वीप या यू लाइक मेकिंग दैट चाइल्ड वीप। इस सेंटेंस में आप मेक के जगह पर काउज का और मेकिंग के जगह पर काउजिंग का प्रयोग कर सकते हैं। इस स्थिति में वीप से पहले टू का प्रयोग होगा और इस वीप से भी पहले टू का प्रयोग होगा। नंबर टू, वह मुझे हंसाना पसंद करती है। इस सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट है मुझे, मुझे के जगह पर आप मुझको लिख सकते हैं और दूसरी बात है क्रिया के प्रथम प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है, इसलिए इस सेंटेंस का अनुवाद हम लोग फर्स्ट स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं। शी लाइक्स टू मेक मी लाफ या शी लाइक्स मेकिंग मी लाफ। आप मेक के जगह काउज का और मेकिंग के जगह काउजिंग का प्रयोग कर सकते हैं। उस स्थिति में लाभ से पहले टू का प्रयोग होगा और इस लाभ से भी पहले टू का प्रयोग होगा। डू के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग देखें। ऐसा सेंटेंस जोरदार कथन व्यक्त करता है। इस सेंटेंस से बोध होता है
कि हम अपनी बातों को जोरदार ढंग से प्रकट कर रहे हैं। नंबर वन, तुम उस बच्चा को रुलाते तो हो। इस सेंटेंस में देखिए एक ऑब्जेक्ट है उस बच्चा को, इसमें को लगा हुआ है और दूसरी बात क्रिया के प्रथम प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है, इसलिए इस सेंटेंस का अनुवाद हम लोग काउजेटिव वर्ब के फर्स्ट स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं। यू डू मेक दैट चाइल्ड वीप या यू डू काउज दैट चाइल्ड टू वीप। नंबर टू, वह मुझे हंसाती तो है। इस सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट है मुझे, मुझे के जगह पर आप मुझको लिख सकते हैं, यानी एक ऑब्जेक्ट के साथ यहाँ को लगा हुआ रहता ही रहता है और दूसरी बात क्रिया के प्रथम प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है, इसलिए इस सेंटेंस का अनुवाद हम लोग फर्स्ट स्ट्रक्चर के आधार पर करेंगे। सी डज मेक मी लाफ या सी डज काउज मी टू लाफ। यूज टू के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग सीखें। नंबर वन, तुम उस बच्चा को रुलाया करते थे। इस सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट है उस बच्चा को, यहाँ को लगा हुआ है और दूसरी बात क्रिया के प्रथम प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है, इसलिए इस सेंटेंस का अनुवाद हम लोग फर्स्ट स्ट्रक्चर के आधार पर करेंगे। यू यूज टू मेक दैट चाइल्ड वीप या यू यूज टू काउज दैट चाइल्ड टू वीप। नंबर टू, वह मुझे हंसाया करती थी। इस सेंटेंस में देखिए एक ऑब्जेक्ट है मुझे और इसके जगह पर आप मुझको लिख सकते हैं और दूसरी बात है क्रिया के प्रथम प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है, इसलिए सेंटेंस का अनुवाद हम लोग फर्स्ट स्ट्रक्चर के आधार पर करेंगे। सी यूज टू मेक मी लाफ या सी यूज टू काउज मी टू लाफ। हम लोगों ने फर्स्ट स्ट्रक्चर के आधार पर हिंदी के उन वाक्यों का अनुवाद किया है जिसमें एक ऑब्जेक्ट ऐसा रहता है जिसके साथ को लगा हुआ है और दूसरी बात यह होती है कि क्रिया के प्रथम प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग होता है। उड के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग देखें। नंबर वन, तुम उस बच्चा को रुलाया करते थे। इस सेंटेंस का अनुवाद होता है यू वुड मेक दैट चाइल्ड वीप या यू वुड काउज दैट चाइल्ड टू वीप। नंबर टू, वह मुझे हंसाया करती थी। इस सेंटेंस का अनुवाद होता है शी वुड मेक मी लाफ या शी वुड काउज मी टू लाफ। नीड के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग देखें। नंबर वन, तुम्हें उस बच्चा को रुलाने की जरूरत है। इस सेंटेंस का अनुवाद होता है यू नीड मेक दैट चाइल्ड वीप या यू नीड काउज दैट चाइल्ड टू वीप। नंबर टू, उसे मुझे हंसाने की जरूरत है या उसे मुझे हंसाने की आवश्यकता है। इस सेंटेंस का अनुवाद होता है शी नीड मेक मी लाफ या सी नीड काउज मी टू लाफ। नीड के बाद है प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग देखें। नंबर वन, तुम्हें उस बच्चा को रुलाने की जरूरत थी या तुम्हें उस बच्चा को रुलाना था। इस सेंटेंस का अनुवाद होता है यू नीड हैव मेड दैट चाइल्ड वीप या यू नीड हैव काउज्ड दैट चाइल्ड टू वीप। नंबर टू, उसे मुझे हंसाने की जरूरत थी या उसे मुझे हंसाना था। इस सेंटेंस का अनुवाद होता है She need have made me laugh या she need have caused me to laugh। Dare के बाद verb के first form का प्रयोग देखें। Number one, तुम उस बच्चा को रुलाने का साहस करते हो। इस sentence का अनुवाद होता है You dare make that child weep या you dare cause that child to weep। Number two, वह मुझे हंसाने की हिम्मत करती है। इस sentence का अनुवाद होता है She dare make me laugh या she dare cause me to laugh। Dare के बाद have plus verb के third form का प्रयोग देखें। Number one, तुमने उस बच्चा को रुलाने की हिम्मत की। इस sentence का अनुवाद बनता है You dare have made that child weep या You dare have caused that child to weep। Number two, उसने मुझे हंसाने का साहस किया। इस सेंटेंस का अनुवाद बनता है शी डेयर हैव मेड मी लाफ या सी डेयर हैव काउज्ड मी टू लाफ। लेट के बाद ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग देखें। नंबर वन, मुझे उस बच्चा को रुलाने दो। इस सेंटेंस का अनुवाद होता है लेट मी मेक दैट चाइल्ड वीप या लेट मी काउज दैट चाइल्ड टू वीप। नंबर टू, उसे मुझे हंसाने दो या उसे मुझको हंसाने दो। इस सेंटेंस का अनुवाद बनता है लेट हर मेक मी लाफ या
लेट हर काउज मी टू लाफ। हर के जगह पर आप हिम भी लिख सकते हैं यदि आप उसे के जगह पर कोई लड़का समझें तो। कुछ ऐसा वाक्य देखें जिसका अनुवाद हम लोग नाउ प्लस सेंटेंस और नाउ प्लस सेंटेंस लिखकर करते हैं। नंबर वन, वह मुझे कभी हंसाता है कभी रुलाता है। इस सेंटेंस का अनुवाद हम लोग करते हैं नाउ ही मेक्स मी लाफ, नाउ ही मेक्स मी वीप, या नाउ ही काउजेज मी टू लाफ, नाउ ही काउजेज मी टू वीप। हिंदी के इस वाक्य में देखिए एक ऑब्जेक्ट है मुझे, मुझे के जगह पर आप मुझको भी लिख सकते हैं और क्रिया के प्रथम प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है। वांट के बाद टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग देखें। नंबर वन, तुम उस बच्चा को रुलाना चाहते हो। इस सेंटेंस का अनुवाद होता है यू वांट टू मेक दैट चाइल्ड वीप या यू वांट टू काउज दैट चाइल्ड टू वीप। नंबर टू, वह मुझे हंसाना चाहती है। इस सेंटेंस का अनुवाद होता है शी वांट्स टू मेक मी लाफ या शी वांट्स टू काउज मी टू लाफ। कुछ सेंटेंस और आपके अभ्यास के लिए यहाँ दिया गया है, इसको भी आप सीख लें। नंबर वन, उसने तुम्हें गवाया, ही मेड यू सिंग। नंबर टू, तुमने उसे टहलाया, यू मेड हिम वॉक। नंबर थ्री, मैं अपने बेटे को नहलाता हूँ, आई मेक माई सन वेद। नंबर फोर, तुम उसे तैराते हो, यू मेक हिम स्विम। नंबर फाइव, आर्यन ने कठपुतली को नचाया, आर्यन मेड द पपिट डांस। नंबर सिक्स, मैंने उसे पेड़ पर चढ़ाया, आई मेड हिम क्लाइम ए ट्री। नंबर सेवन, मैं तुम्हें महसूस कराता हूँ, आई मेक यू रियलाइज। नंबर एट, मैं बच्चों को बैठाता हूँ, आई मेक चिल्ड्रेन सिट। नंबर नाइन, तुमने उसे धूप सेकाया, यू मेड हिम सनबेद। नंबर टेन, तुम उसे नचाते हो, यू काउज हिम टू डांस। नंबर इलेवन, शिक्षक तुमको उठक बैठक करा चुके थे, द टीचर हैड मेड यू मेक अप एंड डाउन। नंबर ट्वेल्व, तुम उसे जुआ खिला रहे हो, यू आर काउजिंग हिम गैम्बल। उपर्युक्त वाक्यों के अध्ययन से निम्नलिखित बातें मालूम होती हैं। पहली बात, कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से कुछ करने के लिए प्रेरित करता है। दूसरी बात, प्रत्येक वाक्य में कर्ता कर्म से कुछ करवाता है और कर्ता स्वयं भी संलिप्त रहता है। तीसरी बात, प्रत्येक वाक्य का अनुवाद दो तरीके से किया जा सकता है, फर्स्ट मेक क्रिया के प्रयोग द्वारा और सेकंड काउज क्रिया के प्रयोग द्वारा। चौथी बात, मेक के बाद कर्म और उसके बाद क्रिया का प्रयोग, इसके पूर्व बिना टू के हुआ है, किंतु काउज के बाद कर्म और उसके बाद क्रिया का प्रयोग, इसके पूर्व टू लगाकर हुआ है।